ये कौन है? आपने पहना था आज कपड़ा काला। आपने कांग्रेस वालों ने पहना था आज कपड़ा काला। एक दिन बंद कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले अपना गिरेबान भी झांक के देख लेना चाहिए। बनने निकले थे गालिब, लेकिन दो बात बोलते बोलते ससुरा बटरिया लूल हो गया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया? अरे कुछ नहीं गया है, मजाक है क्या? सस्ता गालिब है मुझे। आगे आगे देखते जाइए, होता क्या है। बंद कर दे गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने आज पहना था कपड़ा काला। इनके गले में भ्रष्टाचार की माला। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन ही राम मंदिर की नींव रखी थी, और आज मतलब कांग्रेस पार्टी ने काले ड्रेस पहना कर। क्या बोला तूने? सॉरी। ए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। महंगाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी कॉमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे। नीचे बैठ जाओ भैया। 75 सालों में से 62-63 साल कांग्रेस सत्ता में रही। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया ये हैं भारतीय जनता पार्टी के अखंड लेवल के ज्ञानी नेता श्री रामदास अठावले, जो हमेशा अपने अतरंगी बयानों के वजह से सुर्खियों में ही रहते हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन इस बार अठावले साहब तो हदे कर दी। नहीं, मानता हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नहीं मानेंगे। और अब भैया बात दरअसल ऐसा है ना कि अठावले साहब को लगता है कि भारत में जो महंगाई अभी हाहाकार मचाए हुए है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। मगर क्यों? रुको जरा, सबर करो। अरे महाशय, इन अखंड लेवल के नमूने नेताओं को लगता है ना कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में महंगाई को कम करने को लेकर कुछ काम ही नहीं किया है। अच्छा, लेकिन शायद इन ज्ञानी लोगों को पता नहीं है कि पिछले 8 सालों से महंगाई को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार है। ऐसे बातों को सुनने के बाद तो हंसी लगना एकदम लाजमी है, लेकिन इसके बाद लोगों ने भी जम के फिरकी लिया। देखेगा, घबराना नहीं। तो इसी पे क्यूजर लिखते हैं, एक सारी दल बदलू अठावले, अपने ऊपर भी बना के दिखाओ ना कभी। सबसे बड़े नौटंकी बात तो खुद अठावले जी। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? शुक्ला जी तो गजबे लिखे हैं, कहते हैं आप और सरकार किसके लिए जिम्मेवार हो? हर चीज के लिए कांग्रेस और नेहरू पर ठीकरा फोड़ने के अलावे कुछ आता है भाजपा उसके सहयोगियों को? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ई टूटा जरवा के बारे में क्या ही बोलूं? लिखते हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दिन में दारू मत पिया करो। देख लो नतीजा दिन में दारू पीने का। याद करिए, कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या? देश संकट में है। सबके सब चोर हैं साले।